दूर डैमेज दे पाना एक काफी चैलेंजिंग टास्क रहता है, बट लोकेश उनके ऊपर यहाँ पर दो खिलाड़ी जरूर से चलते नजर आएंगे। और लोकेश ने शॉट किया ब्लेड को, काफी बढ़िया जिगल और क्राउच उन्होंने किया, लेकिन इवेंचुअली उनको डाउन किया जाएगा और लोकेश बनते हैं पहले खिलाड़ी जो इस लॉबी से बाहर होते हुए नजर आएंगे। जिस चीज की हमने चर्चा की स्पीरो कि अच्छा मूव क्वालिफाई करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, बट गॉडलाइक को वो पॉइंट्स नहीं चाहिए, गॉडलाइक क्वालिफाई हो चुका है एंड दे आर जस्ट गोइंग टू पुश इन नाउ। ट्रायो ओपी एक ग्रेनेड उन्होंने जरूर से यहाँ पे थ्रो किया है, लेकिन शैडो के साथ उनकी मुलाकात बहुत जल्दी हो सकती है। ऊपर की तरफ जाएंगे एक बार के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके आएंगे तो एक एक करके जाते हुए भी नजर आएंगे। ये एक और जो फिनिश निकालता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी भी एस पावर जो फिनिश जरूर से निकालते हुए नजर आएंगे। ये दोनों ही जो फिनिशर हैं वो उनके पास जाते हुए MVP खेलेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। जी हाँ, तो MVP यहाँ पे है, गॉडलाइक डेफिनेटली बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, X7 ने भी करारा जवाब उनको दिया है, तो मतलब हमारी अनुभवी टीम्स और जो न्यू राइजिंग स्टार्स है कड़ी टक्कर यहाँ पे जो है देते हुए दिखाई दिए। जी नहीं, ब्लैक्स डाउन किए जाएंगे एंड विनर चिकन डिनर लेकर के जाएंगे द गॉड्स ऑफ BGMI टीम गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन चिकन डिनर गॉडलाइक की। अगर रोटेशन की भी बात करें, बहुत